ऑलराइट गाइस, स्पाइडरमैन के गेम्स हो या फिर मूवीज, भाई सब कुछ जबरदस्त होता है, मानते हो ना। एंड जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, यार स्पाइडरमैन का एक नया गेम भी तो आ रहा है, मार्वल स्पाइडरमैन 2। लेकिन यार अभी वो सिर्फ PS5 के लिए आ रहा है। एंड जब PC के लिए आएगा भी ना, तब भाई उसको प्ले करने के लिए भी आपके पास एक जबरदस्त गेमिंग PC होना चाहिए। बट डोंट वरी गाइस, आज तुम्हारा भाई ऐसे स्पाइडरमैन के 10 माइंड ब्लोइंग गेम लेकर आया है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि भाई सारे गेम लो एंड PC में चल जाएंगे। इससे मेरा मतलब है जिनके PC में 4GB तक रैम है, ड्यूअल कोर एंड पेंटियम प्रोसेसर है और ग्राफिक कार्ड तो है नहीं, तब भी भाई गेम बहुत ही जबरदस्त चलेंगे। वेल इसी बात है, इस मैंने वीडियो को लाइक करना बनता है, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे अगली बार जब भी मैं कोई नई PC गेम्स पर वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, मन करे तो देख लेना। नंबर 1 पे स्पाइडरमैन। जिन लोगों को नहीं मालूम, स्पाइडरमैन की पहली मूवी आई थी 2002 में, लेकिन भैया जी हमारा आज का फर्स्ट गेम उसे पहले ही आ गया था, तो मूवी से भाई कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे तो स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो है, लेकिन यहाँ पर एक बहुरूपी स्पाइडरमैन का नाम बदनाम कर रहा है। मुझे कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर जब डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस साइंस एक्सपो में अपनी टेक्नोलॉजी सबको दिखा रहे थे, तो स्पाइडरमैन उन पे अटैक कर देता है, उनके सारे इक्विपमेंट चोरी कर लेता है, लेकिन पीटर पार्कर तो वहीं पर था, तो ये स्पाइडरमैन बनके कौन आया? वेल यही तो तुमको पता लगाना है। हर लेवल में अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, लाइक बैंक में चोरी होने से रोकना, होस्टेजेस को रेस्क्यू करना। इसके दौरान स्टोरी चलती रहती है, जिसमें अपने को स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बहुत सारे विलन देखने को मिल जाते हैं। बताऊंगा नहीं, वरना मजा नहीं आएगा खेलने में। सो बिल्कुल ना के बराबर रिक्वायरमेंट है गेम की, 512 MB रैम, पेंटियम 2 प्रोसेसर एंड नो ग्राफिक कार्ड। नंबर 2 पे स्पाइडरमैन। यस, इस गेम का नाम भी स्पाइडरमैन ही है, बट इसमें हम लोग स्पाइडरमैन की पहले मूवी की स्टोरी का मजा लेने वाले हैं। देखा जाए तो ये गेम भी लेवल बेसी होगा, जिसमें हम लोग क्रिमिनल्स की बैंड बजा रहे होंगे एंड स्टोरी चलती जाएगी, लाइक कैसे पीटर पार्कर को एक मकड़ी काट लेती है एंड आगे जाकर अंकल बेन को चोर मार देता है एंड सो ऑन। अधिकतर मिशन तो यहाँ पर भी बिल्डिंग के अंदर ही होते हैं, लेकिन कुछ मिशन में अपने को न्यूयॉर्क सिटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है। बिकॉज यार स्पाइडरमैन का गेम और बिल्डिंग पे छांग लगाने को ना मिले तो क्या ही फायदा। देखा जाए तो गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी पिछले गेम से काफी बेहतर है एंड खेलते वक्त आप लोग स्पाइडरमैन का भी सारे अटैक अनलॉक कर पाओगे। रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1GB रैम एंड पेंटियम 2 प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो भाई गेम बहुत ही मस्त चलेगा। नंबर 3 पे है स्पाइडरमैन 2। जैसे ही आप लोगों ने पिछले वाला गेम कंप्लीट किया, अब इस गेम की बारी है, गेम का अगला पार्ट है ये। सो जो विलन पिछले वाले गेम में रह गए थे, उनकी इस गेम में स्पाइडरमैन के द्वारा बैंड बजाई जाएगी। ऑलराइट देन, ओपन वर्ल्ड तुमको इस वाले गेम में देखने को मिल जाता है, जिसमें स्टोरी को फॉलो करने के दौरान तुम साइड मिशन का मजा ले सकते हो, लाइक हाई स्पीड कार चेस, इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना एंड वही सारे काम जो एक सुपर हीरो को करने चाहिए। नो डाउट यार, पहले गेम की तरह इस बार भी तुम मूवी की स्टोरी को फॉलो करते हो, जिससे अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को विलन को तो रोकना ही है एंड साथ ही पर्सनल लाइफ को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि यार वो भी तो जरूरी है। एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ गाइस कि वेब स्लिंग इस वाले गेम में काफी बेहतर है। डिफरेंट फाइटिंग कॉम्बोस को यूज करके स्पाइडरमैन विलन्स को मारता है और हम लोग स्पाइडरमैन सेंस को यूज करके टाइम को स्लो कर सकते हैं, जिससे इनकमिंग अटैक को डोज करने में आसानी रहती है। तो काफी शानदार गेम है ये भी, रिकमेंड पहले गेम जितनी ही है। नंबर 4 पे है स्पाइडरमैन 3। ये लो भैया जी, अपना स्पाइडरमैन इस गेम में भी क्रिमिनल्स के पीछे लगा पड़ा है एंड गेम की शुरुआत होती है जब एक विलन बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश करता है एंड वहीं पर एज ए गेमर अपने को पता चलता है कि इस बार स्पाइडरमैन अपने नॉर्मल अटैक के साथ स्पेशल अटैक के साथ वापस आ गए एंड उसको तो एनिमीज डोज भी नहीं कर पाएंगे। सो गेम की स्टार्टिंग में यार हम लोग कई सारे अटैक कॉम्बो सीखते हैं एंड वहीं पर दूसरी तरफ यार पीटर पार्कर इस बात को लेकर नाराज है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे बात नहीं कर रहा है, तो समझ में आ रहा है कि इस तरह इशारा हो रहा है। सिटी के अंदर ही आपको गेम की मेन स्टोरी के साथ साइड मिशन देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें हमें मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है। ग्राफिक्स क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो अभी तक के सारे गेमों में सबसे बढ़िया मुझे इस वाले गेम की लगती है एंड आप लोग देख भी पा रहे हो। रिकमेंड रहेगी पेंटियम 4 प्रोसेसर, 1.5GB रैम एंड 256MB ऑन बोर्ड ग्राफिक कार्ड, जो कि पहले से साथ में आता है। नंबर 5 पे है अल्टीमेट स्पाइडरमैन। कॉमिक बुक ग्राफिक स्टाइल की वजह से गेम कभी भी पुराना नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि अब तक के हमारे सारे गेम स्पाइडरमैन की मूवी के ऊपर थे, सॉरी फर्स्ट वाला नहीं था, जस्ट लाइक दैट अल्टीमेट स्पाइडरमैन के नाम से स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज भी है, तो चाहो तो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पैरेलल यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की कहानी होने वाली है, जो भी हाई स्कूल में पढ़ता है एंड अपने फ्रेंड एडी के साथ उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के पीछे ट्रेस्क इंडस्ट्री का हाथ है एंड कमाल की बात है कि वेनम भी उन्होंने क्रिएट किया है। तो प्लेयर इस बार स्पाइडरमैन के साथ वेनम को भी कंट्रोल करेंगे एंड इस गेम में कुछ ऐसे सुपर हीरो देखने को मिलेंगे
जिनकी आपने सोची भी नहीं होगी। सो इस गेम का मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो सही प्ले कर सकते हो। एंड अगर मैं पीसी वर्जन की बात करूँ तो रिक्वायरमेंट रहेगी पेंटियम 3 प्रोसेसर, 256 MB रैम एंड 64 MB ग्राफिक कार्ड स्टोरेज। नंबर 6 पे स्पाइडरमैन फ्रेंड एंड फो। फैंटम नाम के अजीब से क्रिएचर ने धरती के ऊपर अटैक कर दिया। एंड पता सबसे बुरी बात क्या है कि भाई इस गेम में जो मिस्टीरियस विलन है ना, उसने भाई हमारे दोस्तों का ब्रेन वॉश कर दिया है ना, वो ही हमारे अगेंस्ट हो गया। तो गेम को प्ले करते वक्त गाइस हम लोग नए दोस्त बनाते हैं। एंड जैसे गेम प्ले में तुम लोग देख पा रहे हो कि भाई बेसिकली गाइस ये लेवल बेस्ड गेम होने वाला है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जाते हैं, एनिमल्स की बैंड बजाते हैं एंड जो ऑब्जेक्टिव होता है उनको हम लोग कम्प्लीट करना होता है। एंड उससे भाई हमारे नए दोस्त मदद करेंगे। पहले गाइस इस वाले गेम को आप अपने दोस्तों के साथ ही प्ले कर सकते थे, अभी का मुझे नहीं मालूम। बाकी गाइस ये भी बहुत ही शानदार गेम है, आप लोग प्ले करके देखना, आपको मजा ही आ जाएगा। नंबर 7 पे स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडोज। भैया जी अपना स्पाइडरमैन बड़ा परेशान है, मतलब गेम की शुरुआत में यार मैरी जेन वॉटसन का कोई अता पता नहीं होता है। एंड अपना स्पाइडरमैन परेशान हो रखा है उसे ढूंढने में। एंड तभी उसी वक्त यार वेनम के दूर के रिश्तेदार मैनहट्टन पे तहलका मचा देते हैं। सो काइंड ऑफ सिमिलर गेम प्ले के साथ, जिसमें एक्सप्लोरेशन एंड एनिमीज के बैंड बजाना शामिल होगा, आपको गेम की स्टोरी का मजा लेना है। एंड आपको मैं टिप देता हूं कि अगर आपको स्पाइडरमैन के अटैक जल्दी अनलॉक करने हो ना, तो भैया जी साइड मिशन बैड चॉइस है। जब मैंने बहुत खेले स्पाइडरमैन की एक्सपी जल्दी बढ़ जाती है। ग्राफिक्स क्वालिटी के मामले में हमारे गेम काफी जबरदस्त होते जा रहे हैं। सो इस गेम के साथ अब जो भी गेम आने वाले हैं ना, उनकी सेटिंग आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो। बाकी वैसे रिक्वायरमेंट रहेगी इंटेल ड्यूअल कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम एंड 512 MB वीडियो ग्राफिक। नंबर 8 पे है स्पाइडरमैन शैटर डायमेंशन। मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन एक साथ आ चुके हैं मिस्टीरियो को रोकने के लिए। होता क्या है ना कि मिस्टीरियो से फाइटिंग करने के दौरान अमेजिंग स्पाइडरमैन से टैबलेट ऑफ ऑर्डर एंड कियोस टूट जाती है एंड उसके जो पार्ट है ना भाई वो मल्टीवर्स में बिखर गए है। सो कितनी जबरदस्त स्टोरी लग रही है ना। सो अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन लाइक स्पाइडरमैन नो और स्पाइडरमैन 2099 एंड अल्टीमेट स्पाइडरमैन को उनको ढूंढना होगा, अदरवाइज भैया जी बैंड बच जाएगी अपने यूनिवर्स की। सारे स्पाइडरमैन अपने रियलिटी के एनिमीज के साथ फाइटिंग करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि हर स्पाइडरमैन के पास अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है, एबिलिटीज होती है। तो जब भी आप लोग स्पाइडरमैन के साथ प्ले करोगे ना, तो एक अलग अलग मजा मिलने वाला है। देखा जाए तो स्पाइडरमैन की जो नई मूवी आई थी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, वो भी तो कुछ ऐसी ही है भाई। तो रिक्वायरमेंट रहेगी ड्यूअल कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम एंड 256 MB ग्राफिक मेमोरी। नंबर 9 पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन। मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन का गेम है ये, मे बी बिकॉज मैंने अपने पीसी में स्पाइडरमैन का फर्स्ट गेम यही प्ले किया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई मूवी की स्टोरी होगी, बट नो ब्रो, ओरिजिनल स्टोरी देखने को मिल जाती है। सो मूवी के बाद के इवेंट्स है, ऑक्स कॉर्पोरेशन ने क्रॉस स्पीसीज का एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा एंड जब पीटर पार्कर उसकी गर्लफ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है ना, तो क्रिएचर वहां से भाग निकलते हैं। ऑलराइट देन, इस बार स्पाइडरमैन के पास टाइम को स्लो करने की एबिलिटी है, जिसको प्लेयर एनिमी के ऊपर अटैक करने के या फिर उनका अटैक डोज करने के लिए यूज कर पाएंगे। गेम में यार जो कटसीन है भाई वो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। ऊपर से यार यहाँ पर अपने को स्पाइडरमैन के बहुत सारे कॉस्ट्यूम देखने को मिल जाती है, जो कि अब तक पिछले गेम में मिसिंग थी। सो रिक्वायरमेंट रहेगी इंटेल ड्यूअल कोर प्रोसेसर, 3 GB रैम एंड 512 MB वीडियो मेमोरी। एंड अगेन ग्राफिक कार्ड नहीं है तो सेटिंग एडजस्ट करके खेल सकते हो। नंबर 10 पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि स्टोरी कंटिन्यू रहने वाली है। 2 साल हो गए पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बने, लेकिन अभी भी वो अंकल बेन के कातिल को पकड़ नहीं पाया है। सो उसी में लगा पड़ा है अभी वो। तो डेफिनेटली अगर पिछले वाले गेम आप लोग प्ले करने वाले हो तो इस गेम को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। एंड पता मजे की बात क्या है कि भाई इस वाले गेम में अपने को जो है ना मूवी के विलन भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसी गेम के साथ यार हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैंने आप लोगों से 10 जबरदस्त गेम के बारे में बताया, जो कि भाई आप लोग अपने लो एंड पीसी में भी खेल सकते हो। तो भाई सारे गेम्स के बारे में आपको पता चल चुका है, जिन गेम्स को आपने अब तक नहीं प्ले किया तो उनका जरूर प्ले करके देखना। एंड सबसे अच्छा गेम कौन सा लगा मुझे उसका नाम कमेंट करके जरूर बताना।